हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं बस यूं ही आपसे बात करने। मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। दोस्तों, विंटर्स की ये जो सुबह और शाम आ रही है ना आजकल नॉर्थ दिल्ली में, ये बहुत ही खूबसूरत है। आपने एक्सपीरियंस किया है क्या? अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा समय निकालिए ज़रा और अर्ली मॉर्निंग कभी जाके देखिए बाहर। वो अंधेरा जो आने वाले विंटर्स की दस्तक लेके बाहर खड़ा है ना, बहुत बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही आज यूं ही मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई और कार लेके बस ऐसे ही ड्राइव पे चली गई रैंडमली। कोई प्लान नहीं था ऐसा मेरा। तो सुबह 6 बजे मैं घर से निकल गई थी और एक लंबी सी राइड लेके मैं वापस लौटी। पर आपको पता है क्या, जब मैं वो राइड कर रही थी ना, तो मैं यही याद कर रही थी कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं कभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। आपको पता है मैं बहुत बहुत डरपोक थी। और वो इसलिए, मैं बताती हूँ आपको, वो इसलिए कि बहुत साल पहले ना हमारे घर में न्यू कार आई थी। मेरे जीजू ने न्यू कार ली, उस वक्त मैंने कार चलाना सीखा था। और मैंने वो कार चलाना सीखने के बावजूद जब मैंने वो कार चलाई तो मैंने एक छोटा सा डेंट उस कार को दे दिया। वो बिल्कुल नई गाड़ी थी। इतना डर और इतना गिल्ट मेरे मन में बैठ गया ना कि दोबारा कभी कार चलाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो आज जब मैं अंधेरे में सुबह सुबह ड्राइव के लिए निकली और काफ़ी दूर तक जा चुकी थी और सब बिल्कुल खाली था, बहुत सुंदर लग रहा था, तब मैं मन में यही सब सोच रही थी कि यार एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी मतलब स्टेयरिंग टच करने से भी बहुत डरती थी। और आज मैं ड्राइव करके ऑफिस जाती हूँ, आती हूँ, बहुत सारे ट्रैफिक से भी आती हूँ और बहुत सारे अनजान रास्तों से भी आ जाती हूँ। पर मैं सोच रही थी कि वो जो डर था ना, उसने मुझे कई सालों तक रोक के रखा इस हिम्मत से, इस गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस से, इस म्यूजिकल ड्राइव के एक्सपीरियंस से। पता है आपको, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। मैंने कोशिश भी नहीं करी दोबारा कभी स्टेयरिंग पे हाथ रखने की, इतना ज़्यादा डर गई थी मैं। ये जो डर है ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। पर एक बात सोचिए ज़रा, कब तक घर में ऐसे दरवाज़ा बंद करके छुपके बैठे रहेंगे यार? और एक दिन ऐसा हुआ ना कि हमारे घर के पास रहने वाले एक नेबर ने हमें हेल्प किया और हमें बताया, एक ट्रेनर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कार सिखाई। कार सिखाने से ज़्यादा उन्होंने मेरे अंदर वो भरोसा फिर से पैदा किया कि मैं अकेले कार चला सकती हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। थैंक यू मनीष, आपने मुझे कार चलाना सिखाया। अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा एपिसोड, तो उनके इस हिम्मत देने के बाद से मैं आज कार चला पा रही हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मन में ना एक ख्याल ऐसा भी आ रहा था कि कोई नई शुरुआत करने से, एक झटका लगने के बाद हम इतना डर जाते हैं कि शायद हिम्मत करना ही छोड़ देते हैं, आगे सोचना ही छोड़ देते हैं, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और ये बिल्कुल सही नहीं है। आज उस एहसास के साथ मैं आपको बता रही हूँ, उस डर से आज के कॉन्फिडेंस तक की जर्नी महसूस करने के बाद मैं ये कह रही हूँ। और ऐसा
अक्सर हमारे रिश्तों में भी होता है। एक बार दिल टूट जाए ना, बहुत तकलीफ होती है यार, और दोबारा किसी रिश्ते में पड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। हर रिलेशनशिप से डर लगता है, हर बंदे से डर लगता है, भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि हम उस हार्ट ब्रेक के लिए दोबारा तैयार नहीं है, वो सब रोना धोना उन सब के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप से लो महसूस करना उन सब के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए शायद भरोसा नहीं कर पाते और हिम्मत नहीं कर पाते और कोशिश करना छोड़ देते हैं। और ऐसा वेल स्टेब्लिश्ड रिश्तों में भी होता है, जैसे मैरिजेस, जिसमें किसी बुरे एक्सपीरियंस के बाद शायद दोबारा से वहीं से शुरू करना जहाँ पे अच्छा छोड़ा था बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस एहसास के साथ मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, आपको ही नहीं अपने आप को भी, क्योंकि आने वाले रिश्तों का ये डर मेरे अंदर भी है। तो आपसे और अपने आप से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि बहुत बहुत ज़रूरी है एक नई शुरुआत करना, एक बार फिर से एक कदम आगे बढ़ाकर इस सफ़र को देखना, उस रास्ते को देखना जो शायद बहुत खूबसूरत मंजिल की तरफ हमें लेके जाने वाला है। आपको ना एक और कहानी सुनाती हूँ इसी के साथ, इसे काफ़ी मिलती जुलती है वो। अभी कुछ 4-5 महीनों पहले से ना मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा मनी प्लांट था, मतलब है, और पिछले 2 महीने से ना वो चल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बहुत प्यार है मुझे उससे, मैं उसको अच्छे से वाटरिंग करती और उसको धूप में लेके जाती और कभी उसमें फर्टिलाइज़र डालती और कुछ कुछ कोशिश करती रहती थी हमेशा, पर वो नहीं चल रहा था मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मुझे कुछ और बदलने की ज़रूरत है जो शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ, और फिर मैंने उस प्लांट की मिट्टी बदल दी, उस प्लांट का पॉट चेंज कर दिया, और आज उसके पास ढेर सारी शाइनिंग ब्राइट बहुत प्यारी प्यारी लीव्स हैं और वो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, जस्ट बिकॉज वो चल नहीं रहा था, इसके लिए उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना नहीं चाहती थी। तो ये प्लांट वाले किस्से से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि कभी कभी ना पौधा गलत नहीं होता है, शायद वो जगह सही नहीं होती है जहाँ पर वो है, रिश्ते गलत नहीं होते या हम में से कोई भी गलत नहीं होता, शायद वो सिचुएशन गलत होती है। ज़रूरत है थोड़ा जगह बदलने की, थोड़े जज्बात बदलने की, थोड़ी सी सोच बदलने की, और शायद वो सारे रिश्ते फिर उसी प्लांट की तरह जगमगाने लगेंगे। तो इसी सोच के लिए, अपने प्यार वाले रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, ये जो कोशिश जिसे हम छोड़ देते हैं किसी एक्सपीरियंस के भरोसे, और वो इंसान जिससे कभी हमने ढेर सारा प्यार किया होता है ना, उसे बस ब्लेम करते रहते हैं, अरे ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं हो रहा है। तो पौधे का प्लांट बदलिए, सोच बदलिए, जगह बदलिए, कहीं और चले जाइए, एक ब्रेक लीजिए इस नई शुरुआत के लिए, इस कोशिश के लिए, इस हिम्मत के लिए, और अपने उस प्यार के लिए। कुछ लाइंस जो मैंने कहीं पढ़ी थी, आपसे कहना चाहूँगी, अपने आप से कहना चाहूँगी कि दोस्तों, एक बार फिर से अपनी डायरी के पन्नों में एक नया नाम लिखिए, या वही नाम फिर से लिखिए एक नए अंदाज में,
क्या पता आने वाली कहानी उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगे। तो कुछ यूं कहा है, आंखों को जाम लिखो, जुल्फ को बरसात लिखो, जिससे नाराज हो उस शख्स की हर बात लिखो, जिससे मिलकर भी ना मिलने की कसक बाकी है, जिससे मिलकर भी ना मिलने की कसक बाकी है, उसी अनजान मोहब्बत की वही मुलाकात लिखो। इस कहानी का अंजाम वही है जो लिखा है, इस कहानी का तो अंजाम वही है जो था, तो तुम जो चाहो मोहब्बत की शुरुआत लिखो। अंजाम तो वही होना है जो सभी मोहब्बत का होता है। तो इस कहानी का अंजाम वही है कि जो था, तुम जो चाहो मोहब्बत की शुरुआत लिखो, जब भी देखो उसे अपनी ही नजर से देखो, जब भी देखो उसे अपनी ही नजर से देखो, कोई कुछ भी कहे तुम बस अपने ख्यालात लिखो, आंखों को जाम लिखो और जुल्फ को बरसात लिखो। तो दोस्तों एक बार फिर से जरा लिख के देखिए, शुरुआत करके देखिए, गाड़ी बाहर निकाल कर देखिए, बहुत खूबसूरत सा सफर आपका और हमारा इंतजार कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और हाँ, भारत के जीतने पर हम सबको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। आने वाले सारे मैचेस की एक्साइटमेंट के लिए हम सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, दिवाली की तैयारियां कीजिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू सून, थैंक यू।